अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, प्राइम कैनेडा टीवी के न्यूज़ बुलेटिन के साथ मैं हूँ वजीहा अब्दुल कादिर। सबसे पहले शामिल करते हैं हेडलाइंस। कोरोना वायरस से 3 माह में 15 लाख पाकिस्तानी नौजवान बेरोजगार हो गए। इंसानियत से मोहब्बत का दिन, दुनिया भर के तिब्बी अमले के नाम आज दुनिया भर में इंसानियत और इंसानी दोस्ती का आलमी दिन मनाया जा रहा है। अल्बर्टा ने कोविड-19 के 90 नए वाकयात की इत्तला दे दी। कनाडा के फाइनेंस मिनिस्टर बिल मोर्नाओ ने इस्तीफा दे दिया। चीन और अमेरिका के दरमियान बढ़ती कशीदगी के बाद एप्पल ने चीनी एप स्टोर से 47,000 से ज्यादा गेम्स खत्म कर दिए। और काबीना में रद्दोबदल के बाद कनाडा के नायब वजीर आजम क्रिस्टिया फ्रीलैंड को वजीर खजाना नामजद किया गया। और आसिफ अली जरदारी के खिलाफ पार्कलैंड जमीनी रेफरेंस, नैब ने तमाम एतराजात दूर कर दिए। शुगर माफिया ने वजीर आजम इमरान खान और साथ ही DGFIA और चेयरमैन इंक्वायरी कमीशन वाजिद जिया को खबरदार किया है कि शुगर स्कैंडल की तहकीकात फौरन रोक दी जाए। PIA का तैयारा बड़े हादसे से बच गया। अबूजाबी से पिशावर आने वाली PIA की परवाज को फनी खराबी के बाइस कराची एयरपोर्ट पर बाहिफाजत उतार लिया गया। कनाडा में फ्रेंड्स ऑफ कश्मीर और फ्रीडम मूवमेंट की जानिब से भारत के यौम आजादी को यौम सिया के तौर पर मनाने के लिए एक मुजाहरा किया गया। और इंग्लैंड ने पाकिस्तान के खिलाफ T20 सीरीज के लिए 14 रुकनी स्क्वाड का ऐलान कर दिया। अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों के लिए देखते रहिए